वैसे तो आपने कई तरीके के पकोड़े खाए होंगे, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट। पकोड़ों को बनाने के लिए हमने सिर्फ आटे का यूज़ किया है। हमने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, साथ ही 2 मीडियम साइज लंबी कटी हुई प्याज, 5 से 6 हरी मिर्च, 2 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालकर ही, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। ये पकौड़े हमारे बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मिक्स रसोई रेसिपी चैनल में। अब ऐड करेंगे 1 कप बारीक कटी हुई पालक। पालक को अच्छे से बैटर में मिला लेंगे। आप चाहें तो इसमें बेसन या सूजी का यूज़ कर सकते हैं। अब डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है। अब आटे के पकौड़ों को सेक लेंगे। हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब एक एक करके सारे पकौड़े डाल लेंगे। आटे के पकौड़े आपस में चिपक जाते हैं तो हम इन्हें करछली की मदद से अलग अलग कर लेंगे। धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट फ्राई होने देंगे। अब कुरकुरे और क्रिस्पी होने तक करछली से उलट पुलट करके सेकते रहेंगे। कौड़े गोल्डन होने लगे हैं, तेल में बबल्स कम हो चुके हैं। अब सभी पकौड़ों को निकाल लेंगे। देखने में बिल्कुल बेसन के पकौड़े लग रहे हैं और उतने ही क्रिस्पी और करारे हैं। और सबसे खास बात है, बहुत ही हेल्दी है। पकौड़ों को हम हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, मिक्स रसोई रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।